डिंडोरी में टाइम 8 मध्य प्रदेश की खबर का बड़ा असर हुआ है। टाइम 8 मध्य प्रदेश ने खबर को प्रमुखता से लेते हुए डिंडोरी जिले के 2 साल के नन्हे बैगा विनोद की खबर दिखाई थी, जो गंभीर बीमारी हाइड्रोक्लूपिक्स से बचपन से जूझ रहा है और उसका सिर शरीर से बड़ा हो रहा है। प्रशासनिक उपेक्षा के चलते बैगा परिवार ने टाइम 8 मध्य प्रदेश के माध्यम से शिवराज सरकार से बच्चे के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद जिला अस्पताल की टीम ने 2 सितंबर को समनापुर जनपद क्षेत्र के ग्राम गौरव कहारी के ढावा से उस बच्चे और उसके माता पिता को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अमला डिंडोरी पहुँचा है और बच्चे को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जिसे जल्द जबलपुर मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए रवाना किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर विनोद के पिता ने मीडिया का धन्यवाद देते हुए अस्पताल और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। हाँ सर, सबको धन्यवाद सर, मीडिया वाले को धन्यवाद, अस्पताल वाले को धन्यवाद, सभी डॉक्टर को धन्यवाद। ग्राम ढाबा से लगभग 2 वर्ष का बच्चा है, वो हाइड्रोक्लोरोक्विन की जो उनकी जो बीमारी है उससे पीड़ित है, तो हमारी RBST की टीम गई थी वहाँ पर निरीक्षण के लिए, फिर मैं स्वयं गया था वहाँ पर, मैंने देखा, उनकी समस्याओं से अवगत हुआ, तत्पश्चात उनको मैंने समझाया कि इसके इलाज के लिए आपको मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम 1 सप्ताह बाद आएंगे, तो आज उनको यहाँ बुलाया है उपचार के लिए और अभी फिलहाल भर्ती है बच्चा, और आगे के उपचार के लिए हम उसको मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेज रहे हैं। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के डिंडोरी से दीपक नामदेव की रिपोर्ट।